तो दोस्तों आज बात करने वाले हैं हम यहाँ पर आईटेल के A23 के बारे में, जिस जो कि फिलहाल में इंडिया में लॉन्च हो चुका है। आईटेल की तरफ से आईटेल कंपनी ने इसको लॉन्च कर दिया है, और इसमें क्या आपको मिल जाता है, कितने प्राइस में मिलेगा ये, और क्या क्या इस फ़ोन की स्पेसिफिकेशन होती हैं, और इसमें क्या क्या खास मिलने वाला है आपको, और इसको आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, वो सारी वीडियो में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो गाइस बिना देरी करते हुए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ और जान लेते हैं इसमें क्या क्या आपको इस सेट के साथ में मिल जाता है। तो चलिए बिना देरी करते हुए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसके अलावा गाइस इसके पीछे देखेंगे तो आपको कुछ इसकी जो स्पेसिफिकेशन है वो दी गई हैं, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे आपको क्या क्या प्रोवाइड कराए गए सेट में, वो सारा कुछ यहाँ पे देखने को मिल जाता है। और गाइस इसका जो प्राइस है बहुत ही लो प्राइस है दोस्तों, ये मात्र आपको यहाँ बॉक्स पे देखने को मिल जाएगा 3,799 रुपये ओनली, मात्र 3,799 रुपये। तो गाइस इस बजट में ये फ़ोन आपको किस तरह का रहने वाला है, क्या इसके कोर और खासियत है इस फ़ोन की, वो सारी इस वीडियो में बात कर लेते हैं। सबसे पहले इसका करते हैं डब्बा खोल और देखते हैं इस डब्बे में आपको क्या क्या मिल जाता है, और चलिए बिना देरी करते वीडियो देखते हैं क्या क्या इस बॉक्स में आपको मिलेगा। तो एक कुछ इस तरीके का हमारा ये बॉक्स है, और इसके अंदर हमें सबसे ऊपर ही मिलता है हमारा जो स्मार्टफोन है वो देखने के लिए, और क्या कुछ मिल जाता है इस बॉक्स में वो भी देख लेते हैं। इस फ़ोन को एक तरफ रखते हैं और देखते हैं बॉक्स में आपको और क्या क्या कुछ मिल जाता है। तो ये सबसे ऊपर आपने देखने को मिलेगा यहाँ पर कुछ इस तरीके का जो आपका कवर है, केस कवर है, ये कुछ इस तरीके का प्लास्टिक का जो कवर है वो आपको देखने को मिल जाएगा, काफ़ी हार्ड कवर है गाइस ये। इसके अलावा साथ में आपको ये इसकी डाटा केबल मिल जाता है, और बात किया यहाँ पे इस चार्जर की तो ये आपको ये नॉर्मली चार्जर देखने को मिल जाता है। देख लेते हैं इसमें और कुछ खास है नहीं भाई। इसमें आपको इसके फ़ोन की जो बैटरी है कितने एमएच है वो हम आपको बताने वाले हैं गाइस। ये बैटरी यहाँ पे आप 2050 mAh में ये बैटरी मिल जाती है। तो गाइस इस प्राइस में आपको ये बैटरी मिल रही है, यही काफ़ी है, और कुछ यहाँ पर आपको जो गारंटी कार्ड्स वगैरह जो कुछ मैनुअल यूज़र गाइड्स हैं वो यहाँ पे देखने को मिलेंगी। इन्हें रखते हैं एक तरफ और देखते हैं फ़ोन की तरफ कि फ़ोन में आपको और कुछ क्या मिलेगा। खोल लेते हैं फ़ोन को हम अपने। तो गाइस कुछ इस तरीके का इसका लुक डिज़ाइन है, कुछ इस तरीके का देखने को मिल जाएगा आपको। तो देख सकते हैं काफ़ी यूनिक सा लग रहा है ये हमारा स्मार्टफोन, और देखते हैं इसमें और क्या कुछ खास होगा। चलिए डालते हैं इसके अंदर बैटरी और देखेंगे इसमें। जी इसमें इसके साथ एक सिम कार्ड लेना पड़ेगा जियो के, जो कि उसके बाद ही इसका सेटअप होगा। तो गाइस इसके अलावा हमारा जो फ़ोन में बस यही था, इतना ही कुछ अनबॉक्स मैं आपको तो करा ही चुका हूँ। इसमें आपको क्या कुछ मिल जाता है बस यही इसकी स्पेसिफिकेशन है जो कि मैं आपको बता चुका हूँ। बैटरी आपको 2050 mAh मिलती है, और वगैरह वगैरह इस पर आपको सारा कुछ देखने को मिल जाता है। और गाइस ये आपका एक्सटर्नल मेमोरी कार्ड है वो सिर्फ 32 GB तक सपोर्ट करता है, यहाँ पर आपको साफ साफ दिखा देखने को मिल जाएगा। तो आप अगर इस प्राइस में ख़रीदना चाहते हैं अगर लो प्राइस में, तो गाइस वैसे मेरे हिसाब से फ़ोन कुल मिला के ठीक ठाक है, आप नॉर्मली यूज़ कर सकते हैं, इतने रुपये में ये सेट बुरा नहीं है।